पंजाब कांग्रेस सरकार की ओर से प्रदेश में करवाए पंचायती चुनावों की गिनती को लेकर प्रशासनिक तंत्र व इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की मिली भक्त व धक्केशाही करने की खबरें आपने टीवी चैनलों पर सुनी व देखी होंगी। ऐसी ही एक खबर जिला कपूरथला के गांव खखरेन से सामने आई है, जहां अकाली उम्मीदवार व समर्थकों ने पंचायती चुनावों की गिनती गलत तरीके से कर कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताने के आरोप प्रिजाइडिंग अफसर व पुलिस पर लगाते पंचायती चुनाव के द्वारा करवाने संबंधी मांग पत्र जिला कपूरथला रिटर्निंग अधिकारी कम सहायक डिप्टी कमिश्नर विकास को दिया। मेरा नाम जहेदर कश्मीर सिंह जी खखरैन, मैं नाल पोलिंग एजेंट ही, मैं गिनती दे विच शामिल सी जी। ते जदों गिनती हुई है साडियां जिहड़ियां घट तों घट ना 30 वोटां जिहड़ियां कढ दित्तियां जी, नगैर लकीर दे जिहड़ी साडे वाले बन्ने मोहर लगी जी उहनूं रिजैक्ट कर दित्ता। उहनां दीआं जिहड़ियां वोटां जो 6 असीं कढ़ियां उह हार गए जी, ते हरे नूं उहनां ने जिता के फिर रिजल्ट दे के धक्के नाल अद्धे डब्बे चुक के पहलां लै गए, अद्धे बाद च रह गए। मुड़ के असीं रौला पाया, रोकिया उहनां नूं, असीं ADC नूं बेनती कीती, SDM साहब नूं फोन कराए जी, ते साडी किसे ने कोई गल नहीं सुनी। उन्हें कहा अं कोई सरपंच बना के नहीं चले, किसी का रिजल्ट नहीं कढ चले, कोई डिकलेयर नहीं करके चले, ये सवेरे ताडा SDM को फैसला होगा। अं मंग करते हैं साडी दोबारा इलेक्शन कराई है, हूँ साडे नाल इहनां धक्का करना रात इहनां वोटां विच अदल बदल कर सकते सरकार दा जोर कर। सर तुसीं मानते कि कांग्रेस सरकार वल्लों जिहड़े कि इलेक्शनां विच पंचायती इलेक्शनां विच बहुत ज्यादा मतलब कि गलत पावर दा इस्तेमाल किया गया? हाँ जी, कांग्रेस वल्लों धक्का किया गया जी। हाँ जी सर, अज तक ये 30 मामला है जी, अज जो कहते कि अज इतने अज भी ADC साहब मिलन जा रहे हो, कि वोटों का राती हुआ सर? ये जी साडा खखरैन पिंड हलका कपूरथला का, और उत्थे साडे श्रोमणी अकाली दल वल्लों कैंडीडेट सी साडे बीबी राजविंदर कौर हुण जी सरपंच चोण लड़दे सी, उहदे विच इन्हां ने रात जिस वेले काउंटिंग हो रही सी, काउंटिंग के दरम्यान ये बीबी जी अंदर बैठे से, इन्हों का बेटा भी अंदर बैठा से, इन्हों के होर रिश्तेदार सरदार जिहड़े उत्थे एज ए पोलिंग एजेंट उत्थे बैठे से, उन्हों की प्रेजेंस के जिहड़ा रिटर्निंग अफसर सीगा उन्हें सीधी फेवर जिहड़ी हैगी आ उह कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की की आ, और उन्होंने इन्हों जो घट्टो घट लगभग वैसे 17 वोटों से जित लिया, इन्हों दो तीन बारी रीकाउंटिंग करके 7 वोटों से लियाए, 7 वोटों के तो बाद भी जो उन्होंने तसली नहीं हुई, फिर उन्होंने इन्हों लगभग 3 वोटा ऐसा कैंसल कर दिखा जिड़िया कि नहीं होने वाली सगिया, और उन्होंने साढ़े को सबूत हैगा सारा बनया हो। सो उत्थे भी साडे इन्हां बंदिआं ने सारी उन्हां दे प्रेजेंटिंग अफसर नाल गल कीती, सानूं इन्हां दे फोन आए, मैं भी रात अपने कुछ बंदिआं नूं नाल लै के उत्थे चल गया, और उत्थे जा के असीं पहलां SSP साहब नाल वी गल कीती, सानूं पता लगा कि पुलिस भी नाल उन्हां दे मिली हुई धक्का कर रहे आ, लेकिन उत्थे जा के जदों असीं सारी हालात देखे, प्रेजेंटिंग अफसर उत्थों जा चुका सी, उत्थे मौके तों फिर ADC साहब जो रिटर्निंग अफसर हैगे ने अपने उन्हां नाल गल कीती सारी, उन्होंने सानूं इक्को विश्वास दवाया कि तुसीं सवेरे आ जाओ, आपां एप्लीकेशन लैओ, और असीं इहदी जिहड़ी हले कोई डिकलेयर नहीं करदे, एक वोट से बेशक उन्होंने प्रेजाइडिंग अफसर कर गया, लेकिन मैं को तुम सवेरे आओ आप बारे कोई ना कोई मसला हल कर दें। तो अज असी यह सारी संगत जी हैगी खखरैन पिंड का संबंधित आ, और ये जी धक्केशाही इन्होंने की आ, इन्हों का काम ही है, पहला ब्लाक समिति इलेक्शन में भी बड़ी वे धक्केशाही इन्होंने की आ, हूँ जो पंचायत दोणा हुई तो पंचायत के भी साढ़े जो उम्मीदवार आ 101% जी इन की जित यकीनी सी, सो इस गल का करके इन्होंने धक्का करके रीकाउंटिंग करा करा के दोबारा जी 3-4 होर भी पासे हुए आ साडे कई जगह इस तरह इन्होंने की आ, लेकिन खखरैन पिंड दे विच जिहड़ी हैगी बड़ी वड्डे धक्केशाही इन्होंने की आ, असीं इहदी सख्त शब्दां विच निंदा करदे हां, और प्रशासन कोलों मंग करदे हां, खास तौर ते DC साहब कोलों मंग करदे हां कि इह जिहड़ा लोकतंत्र दा घाण होया इहनूं बचाया जावे, और जिहड़े इह उम्मीदवार हैगे आ इन्हां दी एप्लीकेशन असीं दे रहे हां इत्थे गौर करके उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की जावे, और इन्हां नूं जिहड़े साडे कैंडीडेट आ जिहड़े घट्टो घट 7 वोटां ते जित रहे आ इन्हां नूं दोबारा जिताया जावे। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी आए जे मौके से उन्होंने जरा हेराफेरी की उन्होंने खिलाफ उस तरह कार्रवाई मंगा? हाँ जी, उन्होंने खिलाफ भी कार्रवाई की, असं इलेक्शन कमीशन के कोल भी जा रहे हैं, उन्होंने खिलाफ भी कार्रवाई करांगे, और मेन DC साहब ने उन्होंने कोल जा रहे हैं, ADC साहब रिटर्निंग अफसर है उन्होंने कोल जा रहे हैं, और सानू लोड़ पई तो अं हाई कोर्ट तक भी जावे, लेकिन इस तरह नहीं इन्होंने दी देवे। ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ?
ब्लाक ढिलों के पिंड कफरैन जी ग्राम पंचायत आदि आम चुनाव संबंध में जो कल वोटा पईया उस तों बाद उहदी गिणती होई है। गिणती तो बाद रिजल्ट उत्थे पिंड दे पोलिंग स्टेशन ते कढ़न तो बाद जिहड़ा उत्थे कंपाइल करके अटर्नी अफसर नूं दित्ता गया उहदे संबंध में कुछ लोग अज इत्थे शिकायत लैके आए सीगे। उन्हां नूं दस्सता गया कि क्योंकि हुण सारा रिजल्ट भी डिफेयर हो चुका है, इलैक्शन का काम भी ओवर हो चुका है और जिहड़े रिजल्ट है वह भी सरकार नूं सूचित किए जा चुके। तो इस वेले सिर्फ जिहड़ी इलैक्शन पटीशन है ਉਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਦੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣਾਵ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, 48 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ? ਬਲਾਕ ਢਿਲੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਫਰੈਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਕੇ ਅਟਰਨੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਡਿਫੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਐਨਸਟਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਕੇ ਲਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।